तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एमएस लोमिंगा सुरा को लेकर यहाँ से भागने लगती है, जिसे देखकर डीमन क्वीन बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कह दी है कि क्या ही मजाक है, क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है तुम लोग मुझसे बच के भाग सकते हो। इतने सालों की नींद के बाद फाइनली मेरी कुछ पास रिकवर हो गई है, तो अब मैं भी देखती हूँ तुम लोग यहाँ से कहाँ तक भाग के जाते हो। और इतना कह दे डीमन क्वीन इन दोनों की ओर एक अटैक को कर देती है, जिस पर डीन अब आगे आते हुए कह दे बेटी तो वापस लौट कर आना मत। 27 हमारे सेट एक बहुत ही मामूली और इनोसेंट डिसेबल है, उसने इन बीते सालों में तालिक सेट की सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, तो अब ये हमारी इसी में वारी बनती है कि हम इसे इस डीमन क्वीन से बचाएं। और फिर डीन अब इस डीमन क्वीन से क्या देख तुम्हें इस सेट के लोगों तक पहुंचने से पहले मेरा सामना करना होगा। तो अभी क्यों ना एक ही फटके में डीन को साइड करते हुए कह दिए कि दफा हो जाओ मेरे सामने से, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो लड़का अशूरा चाहिए, जिस वे ना क्या की ये आगे बढ़ने लगती है। मगर तभी बाकी एल्डर्स भी इसे रोकते हुए कह दे क्वीन हम तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे चाहे जो भी हो जाए, अगर तुम्हें हम सबकी जान ही लेनी है तो फिर शुरुआत यहीं से होगी। तब डीमन क्वीन कह रही सिर्फ और सिर्फ एक डिसेबल के लिए पूरे तालिक सेट को दांव पे लगा देना क्या ये वर्थ इट है, आखिर उस मामूली लड़के ने तुम लोगों के लिए क्या ही क्या होगा। जिस पर डीन कह रही भले उस लड़के के पास कल्टीवेशन नहीं है मगर वो मेरे सेट का डिसेबल है, ना जाने कितनी बार इस सेट में अटैक हुआ लेकिन आज तक वो कभी भी इसे छोड़ के नहीं भागा, तो अब इसी नाते अगर उसी लाइफ टीचर में तो फिर उसे बचाना हमारे तालिक सेट वालों का धर्म है। और मैं चाहता हूँ तुम डीमन क्वीन क्या हो या फिर क्या कर सकती हो, लेकिन अब भी मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल डट के खड़ा हूँ, आज हमें भी देखता हूँ तुम उस तक कैसे पहुँचती हो। तब डीमन क्वीन बाकी वाले लोगों को साइड करते हुए कह दिए कि हट जाओ मेरे रास्ते से, और फिर ये कह दी कैसे बुरा तुम मुझे छोड़ के नहीं भाग सकते, हमारी डेस्टिनी तय है। जिस पर डीन बाकी बचे लोगों के साथ आगे आते हुए कह दी सब लोग तन के खड़े रहो, इतिहास भी गवाह रहेगा कि हमने अपने एक मामूली डिसाइबल को बचाने के लिए कितना बड़ा कुर्बानी दिया था। तब डीमन क्वीन कह दी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, अब समझिए कोई भी सेट की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता, तुम गधे जब एक डिसाइबल के लिए इतना ज्यादा रबड़ी रोना कर रहे तो फिर बड़े बड़े फैसले क्या ही लोगे, खैर मैं एक लाश आज दे दी वो लड़का दे दो या फिर मैं बदले पूरे पूरे तालिक सेट को ही खत्म कर दूंगी। जिस पर डीन कह रही बस डीमन क्वीन अब और धमकी नहीं, तालिक सेट ऐसे डीन होने के नाते मैं तुम्हें अपने डिसाइबल को हट करने नहीं दूंगा, बस बात खत्म। तभी एल्डर कह रही है हमारी लाइफ तो ऑलरेडी खत्म होने वाली है, भला इस उम्र में हम लोग अपनी जान बचा के क्या ही कर लेंगे, इसलिए मारना है तो मार दो डीमन क्वीन, लेकिन हम लोग इतनी आसानी से तुम्हें उस लड़के तक पहुँचने नहीं देंगे। जिस पर डीमन क्वीन कह रही है जब तुम सब मरना ही चाहते हो तो फिर यही सही, और ना कह रही है सबसे पहले डीन पर अटैक करती है, तब इस अटैक की वजह से डीन बहुत ही ज्यादा इंसर्ट हो जाते हैं और होते ही कह रहे कि उन्हें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जिस पर डिसेबल कह रहे डीन बुरी तरीके से हर्ट हो गए हैं, पहला सब हमें मोर्चा संभालना होगा। तब इनके इतना कह रही है डीमन क्वीन इनके ऊपर भी अटैक करते हुए इन्हें इंसर्ट कर देती है, और करते हुए कह रही है अब बहुत ही देर चुकी है रिग्रेट करने के लिए। तालिक सेट वालों अब तुम लोग देखोगे कि आखिर डीमन क्वीन को नाराज करने का क्या अंजाम होता है, जिस वे ना कहते डीमन क्वीन यहाँ पे एक धारदार वेपन जैसी चीज को अपेयर करने लगती है, तब सारे लोग कहने लगते हैं कि ये क्या है डीमन क्वीन प्लीज शांत हो जाओ, जिस पर इधर मिस लुइंग भागते हुए कह दिए कि जल्दी चलो, वो लोग जब डीमन क्वीन को रोक रहे था तो हम लोग इस सिटी से तो निकल ही जाएंगे, फिर डीमन क्वीन हमें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी। तब असुरा भी ये सुन के रुक जाता है, जिसे देखकर मिस लुइंग कह दिए कि क्या हुआ तुम रुक क्यों गए, तुम तो भागने में एक्सपर्ट हो ना। तब असुरा कह दे कि नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुझे सब कुछ छोड़ के भागना चाहिए, तालिक सेट मेरा घर और मैं भला अपने घर को छोड़ के ऐसे कैसे भाग सकता हूँ। जिस पर मिस लुइंग कह दे कि ये बहादुरी दिखाने का समय नहीं है 27, वो डीमन क्वीन तुम्हारे पीछे पड़ी है पता नहीं तुमसे वो क्या करवाना चाहती है, बट इतना चालू ही एक बार तुम उसके हाथ लग गए तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तब असुरा कह रही मैं भले ही वीक हूँ लेकिन कभी भी अपनों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागा और हमेशा की तरह आज भी नहीं भागूंगा, मैं नहीं चाहता कि मुझ जैसे वीक पर्सन के लिए पूरा पूरा तालिक सेट तबाह हो जाए, जिस वे कह रही असुरा वापिस जाने लगता है। तब इधर बेटी और क्वीन अपने रेस को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कह दी है कि वो एल्डर्स तो बेहोश हो गए अब उनकी जगह पे तुम लोग आए हो, लगता है आज पूरा तालिक सेट वाइप आउट होकर ही मानेगा। जिस पर मोटू कह रहा है 27 का मैं बड़ा भाई उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा और इसके अलावा मैं सेट नंबर 1 डिसेबल भी हूँ। तब मेडा यून भी कह रही वो मेरे बच्चे जैसा है उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा भी सामना करना होगा, मैं शांति उद्यम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ लेकिन मुझे यकीन है 27 ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे तुम्हें नुकसान हो। जिस पर डीमन क्वीन हंसते द्वारा अपने इस वेपन को अपेयर कर देती है और कहते हुए कह रही कि आप सबके सवा तुम लोग इसी तरह से मरोगे। तभी असुरा यहाँ पर आती हुई कह रहा है ये सब बंद करो मैं आ गया, डीमन क्वीन तुम्हें मैं चाहिए था ना लो अब मैं तुम्हारे सामने हूँ बाकी लोगों को जाने दो। तब मैडम यून कह रही 27 तुम वापस क्यों आ गया, अब तो तुम्हें इस सीढ़ी को क्रॉस कर जाना चाहिए था। जिस पर असुरा कह रहा है थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे भी एक टाइम ऐसा लगा था कि अब मुझे इस साइड को छोड़कर कहीं और जाना
होगा, बट आज आप सबने मेरे लिए जो किया है उसे देखकर अब मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं कभी भी स्टाइलिश शैडो छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो। वेल, अगर एडिवर की शादी मैं इसके पास जाऊँ तो फिर मैं जाके देखता हूँ कि आखिर बात क्या है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग तो क्या इसे पूरे ग्रेट रिवर सिटी में मुश्किल से ही कोई होगा जो इसे रोक सके, और आज नहीं तो कल ये दोबारा तो मुझे ढूंढ ही लेगी। तब डीन कहता है कि भले मेरा सेट वीक है मगर ऐसे डिसेबल बहुत ही नसीब वालों को ही मिलते हैं, आज नहीं तो कल इतिहास दोहराएगा और मेरा स्टाइलिश सेट भी एक बहुत ही पावरफुल सेट बन के उभरेगा। जिस पर लूविन कहते हैं डफर कहेंगे आज पता नहीं इतनी बहादुरी कहाँ से आ गई। 27 इरिटेट कहेंगे हमेशा की तरह जिस तरह से डेंजर सिचुएशन में गायब हो जाते हो आज ही गायब क्यों नहीं हो रहा। तब मोटू कहता है संभल के 27 पता नहीं स्क्रीन की राह देख क्या है, देखना भाई बच बचाए कहीं इसके पास जाते ही तुम्हारे ऊपर छपाटा मार के तुम्हारा खून ना चूसने लग जाए। जिस पर जोरा वो कहते हैं इस कॉफिन के पास जाने लगता है, तब यहाँ पर पहुंचते इसके चारों ओर एक सील क्रिएट होने लगता है जिसे देख रहा सूरा कहता है कि वो तो ये डीमन क्यों जो भी बात करना चाहती है वो अकेले में करना चाहती है। तब सूरा इससे पूछता है कि लो मैं आ गया बता दो मुझे क्यों बुला रहे थे। जिस पर डीमन क्यों कहता है क्या तुम्हें सच में जानना है मैं तुम्हें क्यों बुला रहे थे। तब सूरा कहता है हाँ यही जानने तो आया हूँ आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। जिस पर डीमन क्यों कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बुला रही थी क्योंकि तुम मेरे डेस्टिनेट पर्सन हो यानी भाग्य ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। तब सूरा कहता है क्या लेकिन मैं तुमसे पहली बार मिल रहा तो फिर ये सारी चीजें कब हुए। जिस पर डीमन क्यों कहता है जो रियल बात है वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ बताओ क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तब इस बात को सुनिया सूरा अपने मन में कहता है कि वाकई इसका टेंपर तो बहुत ही ज्यादा हाई है, क्या इसके बारे में जैसा कहानी में सुना था कि एक बहुत ही डोमिनेटिंग रूड फीमेल क्वीन है, क्या वैसा एरोगेंट एटीट्यूड अभी इसमें है। जिस पर अब सूरा कितना सोचते सोचते इस कॉफी का ढक्कन अपने आप ही हटने लगता है। तब सूरा कहता है कि वो नहीं है तो बाहर आ रही है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।